जिला परिषद के पशुपालन विभाग के माध्यम से गांव में रोजगार सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और गांव सक्षम होंगे। अगर गांव में ही उद्योग और कारोबार का निर्माण हो गया हो तो शहर में आने वाले युवाओं का गांव में आना बंद हो जाएगा। विकास कार्य में गांव को शामिल किया। सरपंच और ग्राम सेवक समन्वय से काम करें और सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दें तो सक्षम गांव के निर्माण को गति मिलेगी। पशुपालन, डेयरी, व्यवसाय विकास, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने कहा कि इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर गांव का विकास किया जाएगा। ग्रामीण विकास के अग्रणी और 2 बार के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता सरपंच भास्कर राव पेरे पाटिल द्वारा भीवापुर में ग्रामीण विकास पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया था। वह उस समय बात कर रहे थे। विधायक राजू परवे, जिला परिषद उपाध्यक्ष सुमित्रा कुंभारे, पशुपालन अध्यक्ष तपेश्वर वैद्य, दूधराम सावलाखे, सुरेश भोयर, नंदा नन्नावरे, मनोहर कुंभारे, चंद्रपाल चौक से प्रकाश नागपुरे, अधिक कदम, दिनेश बंगा, जिला परिषद सदस्य शंकर ददमल उपस्थित थे। यह बात मंत्री केदार ने कही। विकास की परिभाषा बदलती रहती है। जनप्रतिनिधि सरकारी योजनाओं, सड़क विकास, जल आपूर्ति आदि पर जोर देते हैं। बहरहाल ग्राम पंचायत को कैसे सशक्त किया जाएगा, इस पर विचार करते हुए शंकर ददमल ने सरपंच पेरी पाटिल का व्याख्यान आयोजित कर सरपंच को निर्देश दिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।